नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश त्रिपाली। गोचर स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आपके पास जो कुंडली है उसे आप देखते हैं तो वो एक जैसी हमेशा दिखाई देती है, लेकिन एक जैसा वक्त तो कभी नहीं रहता है। हर पल ग्रह गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो इस भ्रमण काल में बुध का अब अपनी ही कन्या राशि में, यानी मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि के स्वग्रह होकर विराजमान रहेंगे। 2 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक पूरे एक महीने तक ये वहीं रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि बुद्धि का अधिपति है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल यानी आप कैसे बोलते हैं, व्यापार का कारक है। चेतना यानी मति का कारक है। बुध गायक कलाकार बनाता है, म्यूजिशियन बनाता है। और अगर आपने कोई क्रिकेटर देखा हो, कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन देखा हो जिसकी टाइमिंग बड़ी शानदार रहती है, उसका बुध अच्छे हुए बिना वो काम कर ही नहीं सकते हैं। तर्क वितर्क क्रॉस जो कम्युनिकेशन है या क्रॉस एग्जामिनेशन है, या फिर जो लोग वकील बनके जिरह करते हैं और शानदार जिरह करते हैं, वो बुध ग्रह व्यक्ति के अच्छे हुए बिना कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान तार्किक स्वरूप सशक्त और बोलचाल में माहिर बनाता है बुध। बुध ग्रह सूचना यानी कम्युनिकेशन मीडिया लाइन का भी लॉर्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अगर आप रिसर्च वर्क में माहिर हैं तो राहु शनि के बाद बुध का ही नंबर आता है। अगर बुध इंसान की कुंडली में कमजोर हो तो ये जितनी चीजें मैंने बताई क्वालिटी वाली वो नहीं रहती है। और बुध अगर पापी ग्रहों के साथ हो, आसपास हो, दृष्टि संबंध हो, तो स्किन डिजीज हो जाती है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि स्किन में रैशेज हो जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा खाया नहीं कि तुरंत उसकी स्किन खराब होने लग जाती है, फोड़े फुंसियाँ होने लग जाती हैं, एकेंथोसिस नेग्रिगेंस रेल मेलास्मा हो जाता है, मेलानाइन सेल्स बढ़ने लग जाते हैं और सोराइसिस की बीमारी हो जाती है, और भी बहुत सारी तकलीफें हैं। तो ये सारी चीज़ें बुध के अंतर्गत आती हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी नाम की राशि और चंद्र राशि पर आधारित ये आज का राशिफल होगा। प्रिय साथियों, बुध के उच्च राशि के साथ साथ 2 से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी रहेगा और बुध गुरु का नवम पंचम राजयोग रहेगा। इन सारे कॉम्बिनेशन के आधार पर हम आपका राशिफल तैयार करते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। बुध आपकी राशि से 6th हाउस में स्वग्रही उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि के होकर विराजमान रहेंगी। आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, नई सोच आएगी, जिससे आप अपने कर्जे को खत्म कर सकें, दुश्मनी को कम कर सकें, लीगल कॉम्प्लिकेशन खत्म कर सकें और साथ में अपने हेल्थ को भी अच्छा कर सकें। आपके बिजनेस के सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण आप सक्सेस के नए आयाम हासिल कर सकेंगे। परिस्थिति में आपकी मेहनत का फल आपको प्रमोशन सैलरी बढ़ने के रूप में मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस के अवसर आपको मिलेंगे। पर्सनल लाइफ में थोड़ी टेंशन जो थी वो अब आपकी स्किल की वजह से कम हो जाएगी। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा लर्निंग पर ध्यान देंगे, जैसे अदर करिकुलर एक्टिविटीज है, चाहे कोडिंग हो, डांस हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, खेलकूद कुछ भी हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको अब सावधान रहने की जरूरत है। बुधवार के दिन गणपति भगवान के मंदिर में दूर्वा लाल पुष्प अर्पित करें और वहीं पर बैठकर एक माला ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करें, और जाप करने के बाद थोड़ी सी दूर्वा लाल पुष्प अपने घर ले आएं और तिजोरी या पूजन कक्ष में रखें, जिससे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ व्यापार और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वृद्धि होगी। वृषभ राशि। बुध आपकी राशि और फिफ्थ हाउस में स्वग्रह उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि होकर विराजमान रहेंगे। एक बात तो तय है कि जो फिफ्थ हाउस है वो लव पार्टनर का है, एजुकेशन और संतान का है। आप संतान चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, ये वक्त अच्छा है। आप अपनी स्किल के द्वारा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वक्त अच्छा है। अपने पार्टनर के साथ विवाह संबंध में आप जाना चाहते हैं, नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, ये समय अच्छा है। और बुद्धि आपकी इतनी शानदार चलेगी कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। और जो लोग बिजनेस पर्सन है, धन के लाभ के नए आसार बनेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग, सेल्स परचेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले लोगों के लिए बहुत शानदार समय। और जो लोग मार्केटिंग स्किल अपने अंदर रखते हैं, उनको नए वेबिनार सेमिनार का हिस्सा बनने के कारण नई चीज़ें और नए लोगों से मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे। आपको अपने स्किल की बदौलत एक बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल सकता है और अनएम्प्लॉयड लोगों को अब जॉब मिलना लगभग तय है। आपके हाथ में जो मौके आएंगे उसे जाने न दें। प्रेम जीवन में भी हालात सामान्य बने रह सकते हैं। प्रेम विवाह के मामले में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन आप अपने कम्युनिकेशन से उसे ठीक कर देंगे। परिजनों का पूरा सहयोग आपको मिलने के आसार हैं। हालांकि जो सोर्सेज हैं, जो मीडिएटर हैं,
उनके द्वारा आप बहुत सारी तकलीफें दूर कर पाएंगे। धन को लेकर किसी से झड़प, तकलीफ, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अलर्ट रहना पड़ेगा। स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा, बस जरूरत है स्मार्ट स्टडी की। व्यायाम के लिए, योग प्राणायाम ध्यान के लिए और अपनी बुद्धि को कूल रखने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, योग प्राणायाम और ध्यान का एक तरह से रूटीन बना लीजिए। बुधवार के दिन 4 सूखे जटा वाले नारियल लेकर उनकी एक माला बनाएं और गणेश जी को अर्पित करते हैं। इस उपाय के बाद कार्य में आने वाली बाधाएं कम होने लगेंगी। मिथुन राशि, बुध आपकी राशि से 4th हाउस में स्वग्रही, उच्च राशि को और मूल त्रिकोण राशि को होकर भद्र योग बना रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल शानदार रहेगी, माता जी से आशीर्वाद मिलेगा, अपनी गाड़ी अपने मकान का सपना अब साकार होगा। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में कोई रिनोवेशन करना चाहते हैं तो वह अब संभव हो जाएगा। आपके बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं जो पहले भी आए हैं, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज पर विश्वास रखिए, उन्हें सेल्फ मोटिवेशन की तरफ लेके जाइए, तब वो आपको अच्छा धन कमा के दे सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को जॉब में सैलरी में कोई कमी, जॉब के जाने का डर सताएगा, अज्ञात भय, इससे निकलने के लिए चिंतन करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। सगे संबंधियों के साथ किसी भी विवाद में न पड़े, अन्यथा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अपने आप को शांत रखने का प्लान बना लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हाथ आए हुए प्रॉफिट, लाभ और सक्सेस को गंवा देंगे। आप अपने परिवार के साथ शॉर्ट ट्रिप पर प्रोफेशनल यात्रा के साथ जा सकते हैं। बुधवार के दिन व्यापार स्थल पर गणेश जी और श्री यंत्र की स्थापना करें और उनकी नित्य पूजा करें। व्यापार में तरक्की होगी। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि, अब बुध आपकी राशि से 3rd हाउस में स्वग्रही, उच्च राशि के और मूल त्रिकोण राशि में विराजमान रहेंगे। 3rd हाउस आपके भाग्य, 3rd हाउस आपके डिग्निटी का है, ऑरा का है और आपके भाई बहन का है। सीधी भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य आपका चमकेगा। भाई बहनों से, परिवार के लोगों से मेल मुलाकात आपकी बढ़ेगी। आपका बिजनेस जो अब तक आपको निराशा देता रहा था, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, नई डील से, नए MOU साइन करने से, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनने से, नया लोन लेने से आपकी कैपिटल बढ़ेगी, परफॉर्मेंस शानदार रहेगी और प्रॉफिट गेन करेंगे। आपके जॉब प्रोफाइल में ग्रोथ के लिए आप अपने वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग और सेमिनार वेबिनार का आयोजन कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में समृद्धि आने के चांसेस है। पति पत्नी, लव पार्टनर दोनों साथ मिलकर प्रोफेशनली काम कर पाएंगे और दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और सब लोग मिलकर किसी नए स्टार्टअप की तरफ ध्यान दे सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड में उम्मीद से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी समय आपके लिए अनुकूल रहने के आसार हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध नीच राशि के हों तो आप बुध की या फिर बुध की महादशा चल रही है तो आप शिवलिंग पर हरे बूंग चढ़ाएं और बुध ग्रह को बलवान करिए। रोज ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए आप चंद्रमा को भी अर्घ्य दे सकते हैं। सिंह राशि, बुध आपकी राशि से 2nd हाउस में स्वग्रही, उच्च राशि को होकर मूल त्रिकोण राशि और विराजमान रहेंगे, जिस वजह से धन के आसार बढ़ेंगे, पैतृक संपत्ति का विवाद हल होगा, नए लोगों से मेल मुलाकात होगी और नए आइडियाज को अपना के निश्चित रूप से आप अपना बिजनेस का सपना साकार कर लेंगे। आपके अंदर अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप जॉब चेंज करें या बिजनेस नया करें, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस बुध ला सकता है। आपके बिजनेस स्टेटस में सुधार होगा, आप नए प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, पर्सनैलिटी आपकी वो अच्छी होगी और आप बहुत शानदार बनेगा। आप जॉब कर रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल पर ध्यान दें और आफ्टर सेल सर्विस पर भी ध्यान दें और लीडरशिप क्वालिटी जो आपके भीतर है उसे बाहर निकालिए, आप बेहतर लीडर अब बन सकते हैं। फैमिली लाइफ में आपके माता पिता के साथ आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट, प्लेयर्स, लर्नर्स, मोटिवेशंस लीजिए, सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए, नई स्टोरीज पढ़िए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं, बुक्स हैं, उन्हें पढ़ाई करिए ताकि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ सके। आपको हेल्थ से संबंधित तकलीफ आ सकती है, यूरिन इन्फेक्शन और स्किन की तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखिए। अपनी लाइफ स्टाइल में योग, मेडिटेशन और प्राणायाम को जगह दीजिए। बुधवार के दिन श्री गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करने से गणेश जी आपको आशीर्वाद देंगे और उन्हें मोदक का भोग लगाएं, बुध से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। कन्या राशि के तो बल्ले बल्ले वाला समय, क्योंकि बुध अब आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, स्वग्रही, उच्च राशि को और मूल त्रिकोण राशि को होकर भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। आपके बिजनेस एसेट्स में इजाफा होगा, नई चीजें खरीदने का मौका मिलेगा, प्रॉपर प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी अपना के आगे बढ़ेंगे। थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार, तो अब व्यापार जरूर करिए और कर रहे हैं तो उसमें परिवर्तन करिए। जॉब में प्रमोशन, चेंज
और अपने अनुसार जॉब करने का, अपने स्किल और दमखम को दिखाने का मौका जरूर मिलेगा। आप फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप में सुकून के पल बिताने के लिए बहुत टाइम से तरस रहे थे, अब मिल जाएंगे। स्टूडेंट अपने टीचर, कोच, मेंटोर से अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने कुछ संशय के बारे में बात करके मोटिवेशन प्राप्त करेंगे और एग्जाम में अव्वल रहेंगे। हेल्थ और वेल्थ शांता रहेगी, इसके लिए फिट रहें तभी हिट बनेंगे। आपको वक्त मिल जाएगा एंटरटेनमेंट के लिए, फैशन, पैशन, हॉबीज के लिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और किन्नर को सुहाग सामग्री भेंट करें। बुध से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी। तुला राशि, बुध आपकी राशि और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड होकर स्वग्रह विराजमान हो जाएंगे ट्वेल्थ हाउस में ही। खर्चे बढ़ने वाले, यात्राएं बहुत टाइम से अटकी हुई थी, अब यात्राएं शुरू हो जाएगी और अब वो सब कुछ आपको मिलेगा जो पहले मिलता रहा है। आपके बिजनेस में इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपके खुद के भी खर्चे बढ़ेंगे और आप नया लोन ले सकते हैं, पैसा बोरो करके किसी पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जॉब में चेंज या जॉब ही चेंज, बड़ी कंपनी का ऑफर मिल सकता है और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उन लोगों को भी जॉब मिल सकती है। लव लाइफ और रिलेशनशिप में बॉन्डिंग मजबूत बनेगी और प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगा। वस्त्र और आभूषण खरीदने का मौका मिलेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान, योग, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का सहारा लीजिए, इसे सुबह का हिस्सा बना लीजिए। स्टूडेंट अपने हर असाइनमेंट को समय से पूरा कर पाएंगे। बुधवार को या फिर जब भी समय मिले, साबुत मूंग के सात दाने, हरा पत्थर, कांसे के गोल टुकड़े हरे वस्त्र में लपेटकर बुधवार को बहते हुए जल में प्रवाहित करना बड़ा शुभ रहता है। वृश्चिक राशि, बुध आपकी राशि से और इलेवंथ हाउस के राशि और इलेवंथ हाउस के लॉर्ड होकर इलेवंथ हाउस में उच्च राशि को होकर विराजमान रहेंगे। इलेवंथ हाउस से हमारी आमदनी का, नए सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट होंगे, पैसे से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में बहुत पैसा मिल सकता है। डील करिए साइलेंटली, किसी को मत बताइए। आपके बिजनेस में आपको रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा। आपके बॉस जो आपसे नाराज होते थे अब आपसे खुश होंगे और आप कॉन्सेंट्रेशन करोगे और इनोवेटिव आइडियाज को अपनाओगे तो, या फिर अपने बॉस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे। इस सेंटेंस वापर लेंगे, आपको अपने बॉस कलीग से बहुत अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए, बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करिए, सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए, सफलता मिलेगी। सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आप चर्चित रहेंगे। आपके सुनहरे भविष्य की अब शुरुआत हो चुकी है, पूरा लाभ उठाइए। आर्टिस्ट और शो में जो लोग काम करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, मीडिया में काम करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, नई जॉब मिल सकती है। जॉब मिलना लगभग तय है, इसलिए अपने हाथ पैर जो है वो मारना शुरू कर दीजिए। आपको पेट दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम, मौसम का मिजाज आपके खिलाफ होने से बेवार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा की 11 गांठ हल्दी में या हल्दी लगाकर चढ़ाने से विवाह से संबंधित बाधाएं दूर हो जाती है। धनुराशि, बुध टेंथ हाउस जो कि कर्म और पिता का है, वहां स्वग्रह उच्च राशि को होकर भद्रनामा राजयोग बनाकर विराजमान है। पिता के आशीर्वाद और किसी व्यक्ति विशेष की ज्ञान और सलाह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं और आपके बिजनेस में नई पहचान मिलेगी और ज्यादातर बिगड़े हुए काम अब आपके पूरे होंगे। आपकी वर्किंग कल्चर, वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग स्टाइल, उसमें सुधार होगा और पॉजिटिव एटीट्यूड से आप आगे बढ़ेंगे। बस अहंकार और बदजुबानी से दूर रहिए। पर्सन रिलेशनशिप में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को अलग अलग सेपरेट रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ट्रैवल पर जो है वो ज्यादा मशगूल रहेंगे, सोशल मीडिया, दोस्तों में ज्यादा मशगूल रहेंगे और अपने टास्क एजेंडे को भूल जाएंगे, उससे नुकसान मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट, दुर्घटना, ब्लड लॉस और स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। बुधवार के दिन बुध के ओम बम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे बुध से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी। मकर राशि, बुध अब नाइन्थ हाउस में जो कि आपके भाग्य का है, वहां स्वग्रह उच्च राशि होकर विराजमान रहेंगे। एक बात तो तय है कि पूजा पाठ, दान, धर्म, स्पिरिचुअलिटी में आपका मन बढ़ेगा और अगर आपने कॉन्फिडेंस पा लिया और दान धर्म से आशीर्वाद पा लिया तो स्टार्टअप आइडिया, एंटरप्रेन्योर बनना नेशनल लेवल पर तो है ही, इंटरनेशनल लेवल पर छा जाने की जो आपकी कवायद है वो आगे बढ़ेगी, नई पहचान मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपको किसी परेशानी का थोड़ा सामना करना पड़ेगा, आप केवल अपने काम पर ध्यान दें, बाकी अपने आप होता चला जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम में सजग रहें, बार बार रिविजन करें और स्मार्ट स्टडी करने का प्लान करें, वरना परिणाम आपके विपक्ष में आ जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।
बुधवार के दिन स्नान के बाद भगवान श्री गणेश जी को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। वहीं पर बैठकर ज्ञान मुद्रा में श्री गणेश चतुर्थीश का पाठ करें। बुध से संबंधित समस्या दूर होगी और आपको ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अब तक जो नहीं कर पाया अब कर पाएंगे। कुंभ राशि, बुध आपकी राशि से 8th हाउस जो कि रिसर्च का है वहां उच्च राशि के विराजमान होंगे। अगर आप मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं या है स्पा सलोन जिम अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कोई काम करना चाहते हैं, यूट्यूबर ब्लॉगर सोशल मीडिया पर छाना चाहते हैं तो रिसर्च करिए और आगे बढ़िए। न्यू बिजनेस और ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस में ग्रोथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है और आपकी बुद्धि की वजह से आएगी। आपके लिए फाइनेंशियल ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। पैसे से पैसा कमाना, शेयर बाजार वायदा बाजार और जमीन जायदाद में खरीद फरोख्त से लाभ मिलेगा। पर्सनल लाइफ में रोमांच और रोमांस आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। जो स्टूडेंट विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोशिश करें उन्हें सफलता मिलना लगभग तय है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी जिससे वेल्दी भी आप बनेंगे। और आपके लिए बुधवार के दिन या किसी भी समय में आपको श्री गणेश जी के संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करना सभी बाधाओं को दूर करने के लिए शुभ रहेगा। मीन राशि, बुध 7th हाउस जो कि पति पत्नी का बिजनेस पार्टनर का बिजनेस का है वहां उच्च राशि होकर भद्र योग बना रहे हैं। आपके अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर्सन के लिए अनुकूल समय है। ट्रेडिंग और ऐसे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों के लिए इतना अच्छा समय नहीं है। नए पार्टनर लेना है, साइड इनकम के लिए कुछ करना है, पैसे से पैसा बनाने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, शुभ समय है। आपके डेली एक्सपेंडिचर और कर्जे में थोड़ी बढ़ोतरी होने वाली, इस पर ध्यान दीजिए। पार्टनर के साथ हो सकता है रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आपके अहंकार जुबान और अड़ियल रवैये के कारण हो जाए, इससे बचिए। इसीलिए हो सकता है आपको कुछ खट्टे और मीठे अनुभव हो जाए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सिर्फ एक ही सफलता का गुरु मंत्र है, जिस वक्त जो काम करें उसे करते हैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। और रोजाना योग मेडिटेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर ध्यान दोगे तो फिट और हिट बन जाओगे। स्वास्थ्य पर आपके कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, बस आपको रोजाना आधे घंटे के लिए रिसर्च करना है और फिर उसे दिन भर अप्लाई करना, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो। देखिएगा ये वक्त एक महीने का आपके लिए यादगार और शानदार बन जाएगा। और इसके लिए बुधवार के दिन शिवलिंग पर 108 बिल्वपत्र या फिर 11 बिल्वपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय बिल्वपत्र पर लिखिए और बिल्वपत्र चढ़ाते समय बोलिए, बुध से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी। प्रिय साथियों, ये था उच्च राशि के बुध का राशिफल। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ परेशानी में हैं तो मैं करूंगा आपकी परेशानियों का हल। इसके लिए आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहकर दिन गुजारिए। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।